सारी मशीनें यहाँ पे आ चुकी है, काम जो है काफी तेजी से हो रहा है। ये देखिए ये पहला पिलर जिसका स्ट्रक्चर तैयार करके इसको डाल दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं हेंद्र को आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका पटना मेट्रो का काम कहाँ तक हुआ है। तो आइए हम चलते हैं अपने पटना मेट्रो की तरफ और इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं NH30 पे और इसी के बगल में से पटना मेट्रो का जो है निर्माण हो रहा है। और आप देख रहे हो कि हम लोग को दिख रहा है कि वहाँ पे जो है कुछ ऊंची ऊंची मशीनों का जो है कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, मतलब कुछ ऊंची मशीनें दिख रही है। और हमें लगता है कि काफ़ी तेज़ी से ये काम जो है शुरू किया गया है मेट्रो का। इसका टेंडर जो है दिल्ली मेट्रो ने उठाया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर अभी क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है। बोर्ड लगाया गया है पटना मेट्रो का और ये लंबा दूरी तक चला गया है, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पटना मेट्रो के पास और यहाँ पे पटना मेट्रो का देख रहे हैं कि बोर्ड पूरा लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक का एक लंबा दिख रहा होगा। और ये हमारा जो है पटना मेट्रो का यहाँ पर जो है सारा का सारा सामान रखा जाता है, यहाँ पे सारा की मशीनें रखी जाती है और यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी भी मशीनें को रखा गया है। और इस तरह से पटना मेट्रो का जो है पूरा काम जो है तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे जो है गार्ड साहब भी है, गार्ड साहब जो है बताएंगे कि यहाँ पे ये देखभाल करते रहते हैं कि इसके अंदर कोई एंट्री ना ले, आप यहीं पर देखभाल करते रहते हैं दिन भर। और इस तरह से कोई एंट्री वगैरह नहीं देते हैं किसी को, अलाउ इसके अंदर किसी को नहीं आने का है। जिसके पास आई कार्ड है, जिसके पास वर्दी है वही अंदर आते हैं। कह रहे हैं कि जिनके पास आई कार्ड होगा या फिर जिनके पास वर्दी होगा वही इस शॉप में जो है एंट्री कर सकता है, अन्य बाहरी लोगों की कोई एंट्री नहीं है। किया गया है, सारी मशीनें यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए जेसी भी है, वहाँ पाइलिंग के लिए भी मशीन लगी हुई है और सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर दी गई है। और काम जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको लगा दे, और लगने से जो है बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलेगी। और हम जो है यहाँ पे गार्ड साहब है उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो काम का जो टाइम टेबल है वो क्या है, वो बताएंगे कि हमारा जो है मेट्रो का जो काम है किस टाइम चलता है और किस टाइम नहीं चलता है, किस समय बंद हो जाता है और किस समय शुरू होता है। तो आइए जानते हैं उनसे यहाँ पर काम कब चालू होता है। गार्ड साहब गार्ड सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे, और फिर 12 बजे तक ले 4 बजे तक ले छुट्टी रहता है। यानी काम दो शिफ्ट में होता है, जैसा कि यहाँ पे आप बताए गार्ड साहब कि जो हमारा जो मेट्रो का काम चल रहा है वो दो शिफ्ट में चल रहा है। एक सुबह का जो है शुरू होता है 8 बजे से पहला शिफ्ट, जो दोपहर के 12 बजे तक ही रहता है। तो दोपहर के 12 बजे तक रहता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है और 4 बजे तक वो काम उसी तरह से बंद रहता है। उसके बाद जो है आपका काम 4 बजे के बाद चालू होता है और वह सुबह का 8 बजे तक होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मेट्रो का पहला पिलर है वो यहाँ पे डाला गया है और उस पहले पिलर को हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये पहला पिलर जिसका स्ट्रक्चर तैयार करके इसको डाल दिया गया है और इस तरह से इसको डालकर जो है रेडी कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इसका जो है ढलैया करना बाकी है। और इस तरह से हमारा जो मेट्रो का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसका जो पिलर है वो ढलैया अभी तक क्यों नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से ढीला चल रहा है। इंजीनियर लोग जो गए हुए हैं छुट्टी पे, बहुत जब तक नहीं आते पूरा इंजीनियर और वर्कर जब तक ये पूरा काम तेज़ी से नहीं टिका सकता। अच्छा, मतलब कि ये इंजीनियर से छुट्टी में है जिसके कारण जो है काम स्लो हो गया है। इंजीनियर से जो है वो अभी छुट्टी में है क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन और कोरोना वायरस है, वायरस के कारण जो है लोगों को डर है, अपनी जान की भी परवाह है। और जिसके कारण जो है इंजीनियर साहब वगैरह जो है छुट्टी पे हैं, जिसके कारण काम थोड़ा स्लो चल रहा है पर तेज़ी से चल रहा है। पटना मेट्रो को लेकर जो है लोगों का जो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा है, लोगों को ये लग रहा है कि कब ये बनकर तैयार हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो, यानी कि लोगों का अगर बस चले, यानी कि पूरा पटना वासियों का अगर बस चले तो वो सब मिलकर 1 से 2 दिन में चाहेंगे कि पटना मेट्रो तैयार हो जाए। इतना एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है कि भैया कब बनेगा, जल्दी से बन जाए जल्दी, मतलब कि अभी काम शुरू हुआ है उसमें लग रहा है लोग जल्दी से बन जाए। सोचिए कितना एक्साइटमेंट है पटना मेट्रो को लेकर। ये हमारा लेफ्ट साइड का लाइन है और यहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं 0 माइल। अब यहाँ से हम लोग राइट साइड का जो है देख लेंगे कि राइट साइड वाला जो है एरिया में भी जो है इसका काम चालू हो गया है, तो वो साइड भी हम देखेंगे कि किस तरह से काम चालू है। तो राइट वाले पोर्शन में हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है राइट साइड का जो पोर्शन है वो फोर्ड हॉस्पिटल के जस्ट सामने इसको घेरा गया है और इस तरह से इसका जो है यहाँ से लेकर इसको लगातार जो है घेर कर तैयार कर दिया गया है। हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर काम चालू हुआ है या नहीं हुआ है। और हम जो है पहुँच चुके हैं आपका जो है राइट साइड वाले जो है सेक्टर में और यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अभी किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है इस एरिया को जो है
चारों तरफ से मैंने कि चारों तरफ से एक्वायर कर दिया गया है और इसको घेर दिया गया है कि यहाँ से अब काम चालू होगा। बस इस साइड के सेक्टर में बस इतना ही किया गया है, अभी और कोई भी काम इसके अंदर नहीं किया गया। इस सेक्टर में जो है ना कोई मशीनें हैं, ना कोई जो है आपका कोई पार्ट्स है, कुछ भी नहीं इसके अंदर अभी डाला गया है। और पटना मेट्रो का ये वाला साइड को जो है अभी सिर्फ घेर कर तैयार किया गया है ताकि यहाँ पे काम शुरू किया जा सके। बस इतना ही काम इस साइड में हुआ है, बाकी वो साइड का तो आप देख ही रहे हैं कि उस साइड में काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ देखिए मेट्रो को जहाँ तहाँ से जो है घेर कर तैयार किया गया है ताकि जो है वहाँ पे की जो मिट्टियाँ हैं उसको चेक कर दीजिएगा। देखिए ये साइड में भी जो है डब्बा डब्बा खाली बनाकर छोड़ दिया गया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि डब्बे की तरह यह जो है बीच बीच में घेर के तैयार किया गया है और कुछ कुछ सामान यहाँ पे जो है स्टोर किया गया है। तो दोस्तों हमारा जो पटना मेट्रो का सफ़र है आज यहीं पर समाप्त होता है और हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।